हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 को आगे की तरफ करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि हम पहले 1 और 2 कर चुके हैं और मैंने आपको आइडेंटिटीज भी याद करवाई थी। अगर आप देखें यहां पे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है, और वो भी किसके साथ, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के साथ। यानी कि फैक्टराइज तो आप पहले भी कर चुके 2.4 में, लेकिन वहां पर मिडल टर्म से किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। लेकिन यहां पर क्या करना है, अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी के साथ। तो अगर हम बात करें आइडेंटिटी के साथ, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है? सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे उस आइडेंटिटी की फॉर्म में लेकर जाना है। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस इसे कैसे लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई y प्लस y स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो आप इसमें देख सकते हो कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, यूजिंग द आइडेंटिटी विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। ये आइडेंटिटी इसके अंदर फिट हो सकते हैं, बिकॉज देखो हमने यहां पे पहले ही क्या किया, एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2xy एंड y स्क्वेयर। यहां पर जो x दिया हुआ आइडेंटिटी में, आपकी इक्वेशन में कौन काम कर रहा है, उसके लिए 3x काम कर रहा है। दैट्स वाई यहां पर अब आपका क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, x की जगह पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट 3x, और y एज इट इज सिंगल 3x प्लस y होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें फैक्टर बनानी है, तो ये क्या है, देखो स्क्वायर को दो बार मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3x प्लस y, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस y, और इस तरीके से हमारा ये फैक्टराइज हो चुका है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट भी सिमिलर है आपके फर्स्ट पार्ट की तरह। यहां पर आपने 3x स्क्वायर होल स्क्वायर बनाया था, यहां पर 2y होल स्क्वायर बन सकता है। तो देखो इसको पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, 2y होल स्क्वायर। अगर आप इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो 2 2 जा 4 और y का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 1, ओके, देखो यहां पे इस तरीके से, और प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे 1 है और 1 का स्क्वायर दोबारा से क्या आ जाएगा, 1। तो यहां पर कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे, यूजिंग द आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये लग जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस y होल स्क्वायर। और उसे भी आप अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, तो इसी फॉर्म में इसको लेके आ जाएंगे, तो 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। और अगर आप इसको और ज्यादा फैक्टराइज यानी कि ओपन करना चाहेंगे तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स के फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब थर्ड पार्ट, इस पार्ट में अगर आप देखें तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 मिला हुआ है। आप इस पूरी क्वांटिटी को होल स्क्वायर में डालने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाय 100, सॉरी 100 को क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 10 स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर और यहां पे वाई स्क्वायर, यानी कि वाई की फॉर्म में क्या लिखा हुआ, वाई बाय 10। तो यहां पे आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग द आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। तो इस फॉर्म में अगर आपके पास आंसर है तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस वाई बाय 10, और एक बार क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 10। सो दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन क्वांटिटीज को एक्सपेंड करना, वो भी किसी आइडेंटिटी का यूज करके। तो आप देख सकते हो यहां पे क्या है, 1 2 3 3 वेरिएबल्स है और उसके बाद स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से याद करो तो आपने जो हमारी लास्ट वीडियो में कुछ आइडेंटिटीज रीड की थी जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो उस आइडेंटिटी को यहां पर लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग द
आइडेंटिटी। और कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो आप? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ओके, ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो ये जब आइडेंटिटी आप यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x के प्लेस पे कौन है? x, दैट्स वाई एक्स स्क्वेयर प्लस y के प्लेस पे कौन है? 2y, तो 2y होल स्क्वेयर प्लस z के प्लेस पे कौन है? 4z, तो 4z होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स। मैं यहां पे डॉट लगा रहा हूं मल्टीप्लाई के लिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, वाई के लिए कौन है? 2y। तो ये ध्यान से देखना है आपको। और यहां पर 2 और y के लिए कौन है? 2y, और z के लिए कौन है? 4z, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई x, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और यहां पे क्या बनेगा? 4y स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर कितना आएगा? 4, और y का स्क्वेयर y स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर कितना आएगा? 16, और यहां पे z स्क्वेयर प्लस, अब देखो 2 टू जा 4, और कौन है यहां पे? x एंड y। नाउ प्लस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, 16 वाई जेड प्लस 2 4 जा 8 जेड एक्स, और दिस इज योर आंसर। ओके, अगर हम बात करें पार्ट नंबर 4 की, फोर्थ पार्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यहां पे माइनस दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था आपकी लास्ट वीडियो में कि आपको जरूरी नहीं है कि बहुत सारी अलग अलग आइडेंटिटीज याद करनी है माइनस प्लस के साइन के साथ, बस आप एक आइडेंटिटी याद रखो। जैसे मैंने x प्लस ए और x माइनस बी वाली बताई थी, तो उस ऐसी ऐसी आइडेंटिटी, जैसे अब यहां पर भी क्या है, यही आइडेंटिटी चलेगी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, बेसिक यहां पर माइनस है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम इसे क्या करेंगे, साइन ध्यान में रखेंगे और आइडेंटिटी यही लगाएंगे। देखो इसको पहले मैं चेंज करता हूं, चेंज करके दिखाता हूं, ये चेंज होके कुछ ऐसा भी दिख सकता है, प्लस माइनस सेवन बी प्लस माइनस साइन, उसके बाद इस तरीके से स्क्वेयर। ठीक है, देखो ए एक्स वाई जेड और सब में क्या है? प्लस का साइन, और अगर मैं इसको सोल्व करके इसकी तरह दिखाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, दैट मीन मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट इसको देखने के नजरिए को चेंज कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर रीअरेंजमेंट कर दी। अब यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हो आप? यूजिंग द आइडेंटिटी, और वो कौन सी आइडेंटिटी है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर नाउ इज इक्वल टू, फॉर्मूला अगर आप ओपन करते हो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स, इस तरीके से। ओके, नाउ अगर मैं अब इनमें इस वैल्यू को पुट करूं, अब एक्स की जगह पे कौन है? 3a, तो यहां पर 3a का होल स्क्वेयर, 3a होल स्क्वेयर प्लस y के प्लेस पे कौन है? माइनस का 7b, माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस c के प्लेस पे जो z है उसके प्लेस पे कौन है? माइनस c, तो माइनस c होल स्क्वायर। नाउ यहां पर आपको और ज्यादा ध्यान देना है जब आप इनको प्लेस करोगे इनके सिंबल्स के लिए, 2 एज इट इज। ओके, और x के प्लेस पे यहां फिर दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, डॉट रख रहा हूं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स में अगर 2.3 इस तरीके से होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से डॉट का यूज किया जा सकता है। अब यहां पे थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं डॉट का यूज कर रहा हूं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कौन है? 3a, तो ध्यान से रखेंगे, ठीक है, और वाई के लिए कौन है? माइनस 7b, तो ब्रैकेट के साथ रखना आपको, किसके साथ रखोगे? ब्रैकेट के साथ, अदरवाइज वो कैसा लगेगा कि माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 वाई, वाई की वैल्यू फिर से वही माइनस 7b, और जेड की वैल्यू माइनस सी प्लस 2 जेड, जेड की वैल्यू माइनस सी, और एक्स की वैल्यू 3a। तो आपको जो ये वैल्यूज रखनी है एक्स वाई जेड की, पूरी ध्यान से रखनी है, और रखने के बाद भी कैलकुलेशन और ज्यादा ध्यान से करनी है। कैसे? जैसे यहां पर अगर आप देखो 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस,
अब देखो क्योंकि माइनस साइन अंदर है और बाहर कौन है, स्क्वेयर, और आपने देखा है कि माइनस साइन की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर हमें प्लस में ही मिलेगा, तो 7 का स्क्वायर लिख दो जस्ट प्लस 49 बी स्क्वायर। यहां पर भी सेम टू सेम माइनस की पावर कैसी है, इवन नंबर, दैट्स व्हाई प्लस ही मिलेगा, तो सी स्क्वायर। अब यहां ध्यान रखना आपको, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और ए एंड बी आपके वेरिएबल्स। यहां पर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो एंड में हमें क्या मिला, प्लस, और अगर वेरिएबल्स की बात की जाए तो 2 7 जा 14, और क्या मिलेगा, बी एंड सी। ओके, उसके बाद यहां पर प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 3 6, ए इंटू सी ए सी। ओके, दिस इज योर आंसर, आपने एक्सपेंड कर दिया यूजिंग द आइडेंटिटी, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो मुझे लगता है कि आप उसमें डिफिकल्टी फील कर सकते हो। इसके 6 पार्ट थे जिसमें से मैंने फर्स्ट और फोर्थ पार्ट अभी करवाया है और 6th पार्ट अब करवा रहा हूं, जो बाकी के पार्ट्स बचते हैं फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, ये तीन पार्ट आपको होमवर्क में खुद से करने होंगे। अगर आप इसको डिफिकल्टी फील करते हो सॉल्व करने में तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन पार्ट्स को जरूर सॉल्व करेंगे। आप कमेंट में बता भी सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं। ठीक है, तो चलो लास्ट पार्ट करते हैं फिलहाल, और वो क्या है आपका, 1/4a प्लस माइनस 1/2b माइनस 1/2b प्लस 1 प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ओके, अब हमें ये सोल्व करना है, इसमें भी सेम टू सेम काम ही करेंगे, ये जो आपकी आइडेंटिटी है यही लगाएंगे और इसी तरीके से ध्यान रखकर इसको क्या करेंगे, हम ऑपरेट करने वाले हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर इसको भी आप एक बार इस फॉर्म में दिखा सकते हो, 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 और होल स्क्वायर। ओके, इस फॉर्म में रख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इसको यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे जो अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, और वो कौन सी है, x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर, और आंसर क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस तरीके से। अब इन सभी वैल्यूज को यहां पे प्लॉट भी करना आपको, तो सबसे पहले क्या है, 1/4a होल स्क्वायर। ओके, नाउ प्लस y के लिए क्या है, 1/2 माइनस 1/2b, इसका भी स्क्वायर करेंगे। z के लिए क्या है, ओनली 1, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, और 2xy, तो 2x की वैल्यू 1/4 और a, और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2b। ओके, एंड दोबारा से अब क्या है, नेक्स्ट 2yz, y क्या है, अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 1/2b, और z कितना है, मल्टीप्लाई बाय 1। अब लास्ट में क्या बता, 2zx, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस 2zx, तो z की वैल्यू तो कितनी है, 1, और x की वैल्यू कितनी है, 1/4a। अब आप इसको सोल्व करेंगे, अगर ध्यान से देखें 1/4 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/16। ओके, a स्क्वायर प्लस, अब देखो क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो प्लस आएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4b स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, ओनली 1, यहां से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 दोनों क्या है, डिनोमिनेटर, 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, साइन भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस 1/4ab। ओके, और यहां पर ये 2 हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ कौन है, b, तो हम कह सकते हैं 1/2b, और यहां पर क्या है आपके पास, 2 कैंसिल हो जाएगा यहां पे, और आंसर क्या आ जाएगा, a/2 प्लस a/2, एंड दिस इज योर आंसर।
ओके तो तीन पार्ट मैंने करवा दिए और तीन पार्ट्स आपके लिए घर के लिए मैंने दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी रही वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो तीन पार्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के छोड़े हैं तो ये आपके होमवर्क के लिए, आप इन्हें जरूर करें और अपनी फेयर नोटबुक में भी नोट डाउन करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।